नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ गुंजन। जहाँ जाते हैं वहाँ छा जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी। सात समुंदर पार प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का डंका बज रहा है। जापान के हिरोशिमा में G7 और क्वाड की बैठक में शरीक होने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी तो दुनिया के दिग्गज नेताओं ने दिल खोलकर उनका स्वागत किया और उनकी तारीफों में कसीदे पड़े। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता से दंग दिखे। बाइडेन और अल्बनीज ने प्रधानमंत्री मोदी से क्या कहा, ये जानने के लिए हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। हिरोशिमा की ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि दुनिया के ताकतवर देशों के बीच भारत की क्या अहमियत है और तमाम दिग्गज नेताओं के बीच पीएम मोदी की क्या हैसियत है। ये तस्वीरें तो G7 की है जहां दुनिया के तमाम बड़े नेता मोदी के मुरीद नजर आए। इसके दरमियान हिरोशिमा में ही क्वाड की बैठक में जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रूबरू हुए तो उन्होंने आमने सामने मोदी की जमकर तारीफ की। बाइडेन ने मोदी से बातचीत में कहा, मुझे वास्तव में बड़ी दिक्कत हो रही है। अगले महीने वॉशिंगटन में आप हमारे साथ डिनर करेंगे। इस कार्यक्रम में आने के लिए पूरा देश बेकरार है। मेरे पास तो अब टिकट नहीं बचे हैं। अपनी बात को पुख्ता करने के लिए बाइडेन ने ये भी कहा कि मोदी की यात्रा की तैयारियों में उनकी टीम पूरी मेहनत कर रही है। मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरी टीम से पूछ लीजिए। मुझे ऐसे लोगों के फोन आ रहे हैं जिनसे पहले कभी बात नहीं हुई। आपकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि फिल्मी सितारों से लेकर रिश्तेदारों तक हर कोई मुझे आपसे मिलवाने के लिए कह रहा है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी की तारीफ करते हुए राष्ट्रपति बाइडेन ने एक और खास बात कही। उन्होंने कहा, मुझे तो आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। मोदी की तारीफ करते हुए बाइडेन ने साथ ही ये भी जोड़ा कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार काम कर रहे हैं और कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर की गई पहलों का स्वागत भी किया। प्रधानमंत्री मोदी, क्वाड में आप जो कुछ कर रहे हैं वो तो महत्वपूर्ण है ही, बाकी हर एक चीज पर आपका शानदार असर है। जलवायु परिवर्तन के मामले में भी आपने अच्छी पहल की है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी आपका प्रभाव है, आप सबसे जुदा हैं। क्वाड की बैठक के दौरान बाइडेन ने पीएम मोदी से जो कुछ कहा उससे साफ साफ जाहिर है कि पीएम मोदी के अमेरिका के दौरे का वहां के लोग कितनी शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। केवल अमेरिका ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया में भी पीएम मोदी का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। 23 मई को पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंच रहे हैं। वो सिडनी में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करने वाले हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज ने मोदी की लोकप्रियता की दास्तान सुनाते हुए कहा, सिडनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के लिए 20,000 लोगों की क्षमता वाली जगह छोटी पड़ रही है। हजारों हजार लोग इस कार्यक्रम में आना चाहते हैं लेकिन मेरे पास जगह नहीं है कि मैं उन्हें मौका दे सकूं। मुझे याद है भारत आने पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किस तरह 90,000 से अधिक लोगों ने मेरा स्वागत किया था। ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी का भाषण सिडनी में परामाता के हैरिस पार्क इलाके में होगा। खुद ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इससे पहले हिरोशिमा में G7 और क्वाड की बैठक के दौरान पीएम मोदी का एक बार फिर वही जादू दिखा, वही शानदार चमक दिखी जिसके लिए वो जाने जाते हैं। दुनिया के इस मंच पर मोदी ही छाए नजर आए। सबसे ताकतवर देश अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और यूक्रेन से लेकर मेजबान जापान तक हर देश के राष्ट्र अध्यक्ष पीएम मोदी से मिलने के लिए बेकरार नजर आए। हर नेता के चेहरे पर मोदी से मुलाकात की गर्मजोशी साफ दिखी। जापान के हिरोशिमा में पहले ही दिन G7 की बैठक में पहुंचे अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन पीएम मोदी से आगे बढ़कर खुद गले मिले तो और दूसरे नेता भी इस दौरान भारत के पीएम से घुलने मिलने को बेसब्री से उत्सुक दिखे।
कुल मिलाकर साफ है कि दुनिया में पीएम मोदी की शख्सियत कितनी दमदार है और किस तरह विश्व के दिग्गज नेता उनका लोहा मान रहे हैं। दुनिया के नेता किस तरह पीएम मोदी की कूटनीति के मुरीद हो चुके हैं, इसकी ये एक झलक भर है जो 2014 से अब तक लगातार जगह जगह देखने को मिल रही है। और 9 साल से भारत में सत्ता संभाल रहे मोदी को ताकतवर देशों को साधने में जो कामयाबी मिली है वो अपने आप में एक मिसाल है। फिलहाल पीएम मोदी 3 देशों के दौरे के दूसरे चरण में जापान से पापुआ निकोयनी पहुंचने वाले हैं। वहां वो फिपिक यानी फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉर्पोरेशन के शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। खास बात ये भी है कि पापुआ निकोयनी में आमतौर पर सूर्यास्त के बाद पहुंचने पर किसी भी नेता का औपचारिक स्वागत नहीं किया जाता, लेकिन पीएम मोदी के लिए ये परंपरा तोड़ी जाएगी और प्रोटोकॉल से अलग हटकर उनका स्वागत किया जाएगा। हिरोशिमा से नुपुर तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता यूं ही नहीं दिन रात दोगुनी चौगुनी बढ़ रही है, बल्कि इसके पीछे देश और दुनिया को दिशा देने की उनकी सलाहियत, जिसकी वजह से तमाम दिग्गज नेता उनके मुरीद हो चुके हैं। G7 की बैठक में दुनिया के देशों को प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए 10 मंत्र दिए। तो हिरोशिमा में क्वाड की बैठक में प्रधानमंत्री ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति सुरक्षा के मुद्दे को अपना समर्थन जाहिर किया। अगले साल भारत में क्वाड की बैठक कराने का ऐलान किया है। जापान के हिरोशिमा में 2 महाबैठकें, एक तरफ दुनिया के अमीर और ताकतवर देशों के संगठन G7 की बैठक, तो उसी दरमियान हुई भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के संगठन क्वाड की मीटिंग। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति सुरक्षा और स्थिरता के लिहाज से क्वाड की ये बैठक काफी अहम थी। ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज की अध्यक्षता में ये बैठक जापान में हुई, तो चारों देशों ने मिलकर वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा की। इस दौरान राष्ट्रपति बाइडेन ने इस क्षेत्र के शानदार और खुशहाल भविष्य पर जोर दिया। Our mission remains the same. That is to advance our vision of a free, open, secure and prosperous Indo-Pacific. And to demonstrate the capacity of democracies to deliver on a shared region. इस दौरान पीएम मोदी ने साफ किया कि क्वाड देश दुनिया में अमन कायम करने और मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए मिलकर काम करेंगे। क्वाड की अगली बैठक भारत में होने वाली है। मेरा मानना है कि क्वाड वैश्विक भलाई, मानव कल्याण, शांति और समृद्धि के लिए निरंतर प्रयत्न करता रहेगा। प्रधानमंत्री अल्बनीजी को इस समिट की सफल अध्यक्षता के लिए अभिनंदन और बधाई देता हूं। 2024 में क्वाड लीडर समिट का आयोजन भारत में करने में हमें खुशी होगी। धन्यवाद। इससे पहले पीएम मोदी G7 की बैठक में भी शामिल हुए। भारत G7 का सदस्य नहीं है, फिर भी भारत समेत 8 देश और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस बैठक में निमंत्रित अतिथि के रूप में शामिल हुए। जापान में 20 और 21 मई को हुई G7 की बैठक भारत के लिए इस मायने में खास हो गई कि इस दौरान पीएम मोदी की दुनिया के दिग्गज नेताओं के साथ कूटनीतिक केमिस्ट्री की शानदार झलक दिखी। तो साथ ही साथ व्यापक महत्व के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बड़े देशों के सलाह मशवरे में भी शामिल होने का मौका मिला। बैठक के दौरान विभिन्न वैश्विक संकटों से मिलकर निपटने पर चर्चा के लिए बुलाए गए सत्र में पीएम मोदी ने खाद्य, स्वास्थ्य और विकास के मुद्दों पर 10 सूत्रीय कार्य योजना का अहम मंत्र दिया, जिसमें उन्होंने कई खास चीजों पर जोर दिया। इसमें शामिल है मोटे अनाज को अपनाना, खाने की बर्बादी रोकना, किसानों और कमजोर वर्ग के हित में समावेशी खाद्य प्रणाली विकसित करना, खाद की सप्लाई और उसकी वैकल्पिक व्यवस्था, खाद की सप्लाई में विस्तारवादी मानसिकता हटे, टिकाऊ हेल्थ केयर सिस्टम, पारंपरिक इलाज पद्धति और दवाओं को अपनाना, डिजिटल हेल्थ व्यवस्था,
विकासशील देशों की जरूरतों के हिसाब से विकास के मॉडल बनाना। दो दिन में G7 की बैठक के 8 सत्र हुए, जिनमें वैश्विक महत्व की बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। जलवायु परिवर्तन का मुद्दा G7 के एजेंडे में सबसे ऊपर रहा। बैठक के दौरान G7 के सदस्य देशों ने सभी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों से शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने को कहा। इनमें भारत और चीन भी शामिल है, जिन्हें 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य पूरा करने को कहा गया है। भारत ने 2070 तक और चीन ने 2060 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। बैठक में ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। इस दौरान ईंधन के लिए रूस पर निर्भरता खत्म करने पर भी जोर दिया गया। जापान से रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने G7 की बैठक के 8वें सत्र में भी हिस्सा लिया और शांतिपूर्ण, स्थिर और खुशहाल विश्व के निर्माण के लिए दुनिया की पहल कदमी का स्वागत किया। हिरोशिमा से नुपुर तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।